इसको पता नहीं क्रम्स या क्या कहते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ शॉर्मा, इसके अंदर कीमा डाला हुआ है और कुछ और भी डाला हुआ है, अभी हम ये खाएंगे। शीशा बड़ा गंदा है बट दिस इज डे टू इन नजफ। हम यहाँ पर खाना खाने आते हैं, ये खाने की जगह। प्लेट जरा आप सब चेक कर लें, आप ब्लॉग की जाकर जरूर देखनी है, ताकि उस ब्लॉग में जाकर देखना कि मेरी मेरी प्लेट में कितना खाना था। ऐसे तो ऐसे से अभी हम फिर से जा रहे हैं हरम और साथ ही हम वादी इस्लाम जाएंगे। आई एम कॉलिंग द लेफ्ट, वेरी प्रिटी लेफ्ट, पर फोर्थ फ्लोर पे मारा। अच्छा, इसको इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, जब ज़्यादा लोगों में तो आप इस तरह कर लो, मास्क का काम भी करता है। ने सिम लिया ताकि हम आप लोगों को इंस्टाग्राम पे अपडेट करके, अगर अगर आप चाहते हैं ज़्यादा अपडेट्स लेना तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मैं लाइव आऊँगी। तो वहाँ पे वानिया भी अपनी सिम का वेट करिए। और अभी हम हरम में जा रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएँगे, वादी इस्लाम, वादी इस्लाम जाएँगे, वो भी आप सब दिखाएंगे। हम बिल्कुल करीब आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, हर तरफ बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी हैं। अभी हम ये देख रहा, ये यहाँ से एंट्रेंस होती है वुमेंस की, और ये सारा बाहर वाला, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, वहाँ पे आप नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हो यहाँ पे बैठ के। और ये सारा सहन है, चेकिंग हो जाएगी आप यहाँ पे, इस दरवाजे से एंट्री हो गए। वेरी प्रिटी, इस दरवाजे का ये नाम है। कुछ अरबी में लिखा है लेकिन समझ नहीं आता। और आगे जाके यहाँ पे भी एक सहन है, ताकि आप नमाज पढ़ सकते हो। बहुत खूबसूरत, ये ऊपर खुला ये जगह बनी हुई है और इसके अंदर दुआएं वगैरह पड़ी होती हैं। और सही तो यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हो, दुआएं पढ़ सकते हो, तस्बीह पढ़ सकते हो। पानी के लिए ये जगह बनी हुई है, यहाँ से आप ग्लास लो और पानी पी सकते हो। बहुत खूबसूरत, आगे साइड औरतों के लिए और वो दूसरा वाला साइड पे आ रहे मर्द वगैरह, वहीं सेंटर होते हैं, वहीं से फायरिंग होते हैं। लोग होते हैं मैं इसरा कर लेती हूँ, जो थोड़े लोग होते हैं मैं इसरा कर लेती हूँ। सेंटर होते हैं और यहाँ ये एग्जिट छोड़ दें होते हैं। अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पहले हमने वो वाली साइड देखी थी, अब हम ये दूसरी साइड पे, दूसरे सेल में है। और यहाँ से हम जा रहे हैं वादी इस्लाम। ये हमने ये खाया है इस शॉप से, बिल्कुल हरम के साथ। बट अ वॉच, वानी ऑल्सो गॉट अ वॉच। सुबह टाइम मैं आई थी तो मैं अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, इसलिए अब मैं रात टाइम आई हूँ ताकि मैं अंदर से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकूँ।
अलाउ नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये वाला दरवाज़ा है जहाँ से हम अभी अंदर एंटर होंगे। आप इसको दरवाज़ा दिखाती हूँ, वेरी प्रिटी। अभी हम दूसरी साइड पे हॉल है, वहाँ पे बनाने जा रहे हैं वीडियो, ताकि आप लोग को दिखाऊँ, फिर आपको मैं ज़ियारत कराती हूँ। पाक पड़े हैं, दुआएं पड़ी हैं। यहाँ पे आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हो, दुआएं पढ़ सकते हो। ये वो जगह है कि अगर आप होटल वगैरह में नहीं स्टे कर रहे हो, अपने हरम के अंदर रहना है, तो आप यहाँ पे आके अपने सामान के साथ रह सकते हैं। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है मैं अभी, और अभी और वो बना रहे हैं एरिया। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, बहुत इसकी ब्यूटी जो है। कैमरा एडजस्ट नहीं कर पाता ना इससे। जगह देना, निकल जगह देना। शुक्र है इस बार थोड़ा रश कम हुआ। गेट है और इसके ऊपर घड़ियाल बना। हम यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने आए हैं, और हमें उनकी बिल्कुल समझ नहीं लग रही। हम कह रहे हैं साइज़, वो कह रहे हैं पिज़्ज़ा साइज़, पता नहीं साइज़ क्या है। हम उस शॉप से आ गए क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा था, तो अभी हम इससे बनवाएंगे। ये अभी हम वहाँ से वो बना रहे हैं पिज़्ज़ा, ठीक है, मतलब डो वगैरह सब कुछ यहाँ पे फ्रेश बनता है। ये हमने यहाँ से 3500 रुपीस की शॉपिंग की है। कुछ वहाँ पे भी वानिया के पास है, तो काफ़ी स्नैक्स हमने लिया, अभी काफ़ी लिए, थोड़े लिए। अगर आप लोग लग रहे हैं हमने ये 3000 की शॉपिंग की है, तो भाई इनकी करेंसी बहुत लो है, इसलिए वो तो यहाँ पे डे 2 ख़त्म होता है। बहुत अच्छी लाइट है, और आप लोग जाके ब्लॉग देखें और ज़्यारत करें, और इंशाल्लाह आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। मैं बहुत देर बाद ब्लॉग कर रही हूँ, कोई गलती हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। और बहुत सुकून की जगह है। बाकी वादी इस्लाम का पूरा एक अलग ब्लॉग है, मैंने उसको इसमें नहीं डाला, तो मैं आपको कल मतलब इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। मैं साथ साथ अपलोड भी इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग देखते रहें, और चैनल को सपोर्ट करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।